आपका प्यार जो आपको छोड़कर जा चुका है कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आपके पास वापस लौट आएगा। अगर आपका प्यार आपसे नाराज़ होकर या फिर अब आपको पसंद ही नहीं करता, आपको छोड़कर चला गया है दोस्तों, तो आप चाहते हैं फ़ोटो से वशीकरण के टोटके जानना। आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। फ़ोटो से वशीकरण कैसे करें या फ़ोटो से वशीकरण करने की बहुत ही आसान और सरल विधि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका प्रयोग करने से आप अपने प्यार को बहुत जल्द अपनी बाहों में वापस ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण की विधि जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल ऐशो ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आज का हमारा विषय वीडियोस इसी टॉपिक पर बनानी है। यही हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि अपने प्यार को वापस पाने के लिए उनका फ़ोटो से वशीकरण कैसे करें। जब मनुष्य के जीवन में प्यार आता है तो जीवन स्वर्ग सा बन जाता है, पर वही प्यार जब छोड़कर चला जाता है तो जीवन नरक के समान हो जाता है। पर इस परिस्थिति में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर धैर्य और दृढ़ संकल्प हो, मनुष्य प्यार तो क्या भगवान को भी पा सकता है। तो अगर आप भी अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं या फिर किसी के साथ अपने प्यार का रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, तो आज आप फ़ोटो से वशीकरण कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं फ़ोटो से वशीकरण के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण करना बहुत ही सरल वशीकरण माना गया है और इसे आम मनुष्य आसानी से कर सकता है। कई लोगों का मानना है कि मोबाइल फ़ोटो से वशीकरण करना संभव नहीं या फिर उनकी फ़ोटो से वशीकरण करना संभव नहीं, पर यह एकदम गलत है। मोबाइल की फ़ोटो से या फिर किसी भी तरह की फ़ोटो से वशीकरण तो किया जा सकता है, लेकिन उसे करने की विधि जैसे हम बताते हैं उसके अनुसार ही करेंगे तो बिल्कुल सही वशीकरण होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आपको क्या करना होगा। इस वशीकरण क्रिया को आपको मंगलवार से शुरू करके लगातार 5 दिनों तक करना है। जिस भी मंगलवार से आप इस वशीकरण क्रिया को आरंभ करने जा रहे हों, उस दिन सुबह स्नान इत्यादि करके सबसे पहले शुद्ध हो जाएं। उसके बाद अपने घर के किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएं और अपने सामने उस व्यक्ति या महिला की फ़ोटो अपने मोबाइल में रखें जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। उसके बाद अपने सामने एक दिया जलाएं और एक साबुत सुपारी को भी अपने सामने रखें। उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए मंत्र का 51 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार होगा, ओम नमो इच्छा रूपिणी मम वशकरान्यो नमः। दोस्तों, मम के बाद उस इंसान का नाम ले, अपने प्यार का नाम ले जिसे वश में करना चाहते हैं। उसके बाद वशकरान्यो नमः बोलना है। 51 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद उस सुपारी के ऊपर 3 बार फूंक मारकर उस सुपारी को किसी भी मंदिर की सीढ़ियों पर रख दें। इस विधि को लगातार 5 दिन तक करें। उसके कुछ दिनों के पश्चात आप देखेंगे कि सामने वाले में आपके प्रति एक अद्भुत आकर्षण पैदा हुआ है। वह आपसे बात करने के लिए और आपके साथ समय बिताने के लिए आतुर है। इस विधि को करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से करें और इस क्रिया को करते समय आपको कोई बीच में न रोकेगा न टोकेगा। दोस्तों, अपने प्यार को पाने के लिए फ़ोटो से वशीकरण करके अपने प्यार को हमेशा के लिए आप अपनी बाहों में ला सकते हैं। आशा करते हैं खोए प्यार को वापस पाने का ये टोटका उपाय आपको बेहद पसंद आया होगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए वीडियो में दिए हमारे नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन अवश्य